नमस्कार। अक्सर हमारे मन में प्रश्न आता है, ईश्वर है या नहीं। कभी लगता है ईश्वर है, हमारे साथ हमेशा है, हमारे पास कोई, जब हम अकेले होते हैं, जब हम बहुत दुख से घिरे होते हैं, कोई ना कोई है हमारे साथ जो देता है, वो ईश्वर है। और कभी मन दुखी रहता है, हर तरफ से हताशा मिलता है, तब लगता है कोई नहीं है, ईश्वर भी नहीं है। और ये सोच अक्सर हमारे मन में आता है। इसकी वजह एक ये भी है कि हम ईश्वर को पाने के नज़रिए से देखते हैं कि ईश्वर से हमको ये मिलेगा या वो मिलेगा। लेकिन जो बाद में अगर आप ज़्यादा सोचोगे या करोगे तो देखोगे कि ज़्यादातर अच्छा बुरा हमारे ही हाथों में होता है। हम ही से गलती हो जाती है, कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं, और कभी जानबूझ के भी हम सही चलते हैं, सही काम करते हैं तो हमको सफलता मिलती है। तो ये तो बहुत बहुत पुरानी सोच है और बहुत से लोगों के मन में है, और उसी संदर्भ में बात करनी थी कि ये एक बुक है। ये आप अक्सर वेस्ट बंगाल के घरों में देखोगे। ये है श्री रामकृष्ण कथामृतो श्रीमो कथितो बोलते हैं इसको। तो श्रीमो जो थे, श्री रामकृष्ण जब अपना प्रवचन करते थे तो वो अक्सर छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से भक्तों को बताते थे। तो श्रीमो बैठ के वो सारा संकलन एक बुक के आकार में प्रकाशित किया, जो आज हम लोगों के काम आ रहा है। तो जब मैं छोटी थी तो माँ को देखती थी कि बुक पढ़ती थी। जब माँ हताश होती थी तब तो उतना नहीं समझ में आता था, लेकिन मैं अक्सर माँ को ये बुक लेके पढ़ने देखती थी। जब मैं धीरे धीरे बड़ी होती गई तो कभी कभी बुक में उलट पलट के देखती थी, तो उतना समझ में तो नहीं आता था, लेकिन एक विश्वास था कि इस बुक में कुछ सुपर पावर है। हर एक के मन में कुछ ना कुछ होता है, वो मेरे मन में था कि इस बुक में सुपर पावर है। तो जब मैं शादी होकर चली आई तो वो बुक तो पीछे ही छूट गया, और फिर मुझे यहाँ आके एक रिलेटिव का बुक दिखा। मैं जॉइंट फैमिली में थी तो एक घरी अपने घरी में बुक मुझको दिखा, लेकिन वो बुक किसी का था तो मैंने बस देखा, उलट पुलट के रख दिया। मुझे बहुत आनंद मिला कि ये बुक पास में है। फिर उनकी डेथ हो गई, बुक मैं लिया नहीं, और फिर मुझे एक और रिलेटिव का बुक दो संकलनों में मिला, यही बुक उसको दो पार्ट में मिला, तो वो मैं ले आई। वो भी पढ़ा हुआ ही था, धूल खा रहा था, कोई पढ़ता नहीं था। तो फिर मैं ले आई तो फिर किसी रिश्तेदार को लगा कि नहीं वो उसको चाहिए, तो मैंने दे दिया इतनी मामूली सी बात के लिए। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये बुक मुझे इतना पसंद था, वो मुझे मिला नहीं। तो फिर मैं पूजा करके छत से आ रही थी तो तब मैंने धूल में लिपटा हुआ ये बुक दिखा मुझे। तो फिर मैं कुछ सोची नहीं, उसको मैं झाड़ के अपने पास ले आई। तब से ये बुक मेरे ही पास है, और जब मुझे दुख होता है या मैं ऐसे ही कभी लोनलीनेस फील करती हूँ या को जिंदगी का उतार चढ़ाव है, तब ये बुक चाहे मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, थोड़ा सा पास में लेके बैठूँ, दो चार पन्ना पलटूँ तो भी मुझे संतुष्टि मिलती है। तो फिर जब ये बुक मुझे मिला तो विश्वास करें 3-4 दिन मुझे इतनी खुशी मिली। इसका मतलब ये नहीं कि इस सुपर पावर से, सुपर पावर मेरे ही अंदर है, और ये बुक मैंने ही मांगा था अपने से, अपने मन से, और उसके लिए मैं शायद दिखने में लग रहा कि मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर मैं सोच रही थी, और वही मेरा उद्यम ही काम लाया जो बुक मुझे मिला। तो उसी लिए मैं सोच के मैं आज बहुत इस निष्कर्ष पे पहुंची कि ईश्वर सच में मेरे ही, हम लोगों के ही अंदर में होते हैं, और वो कभी खुद नहीं आते, हम ही से हमारा काम करवाते हैं जो है ईश्वर। और इसलिए हमको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, अपने को श्रद्धा करना चाहिए। जिस तरह हम दूसरों को हानि नहीं पहुँचाए, उस तरह हम अपने को भी हानि नहीं पहुँचाए। और जब हम सब ठीक रहेंगे तभी तो हम सबको ठीक रखेंगे। तो आपको देखना है कि आप किस बात से खुश होते हो, किस बात से आपको संतुष्टि मिलती है। ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप फॉलो करोगे तो मुझे लगता है कि आपको भी अच्छा लगेगा। और जो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जो मेरी फीलिंग्स है वो आपके साथ शेयर करें, आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। बस यही बात थी। ईश्वर है हम ही लोगों के अंदर हैं। नमस्कार।